गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को दी बड़ी टेंशन। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है शाह। अमित शाह की धमकी से थर थर क्यों कांपा पाकिस्तान? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि देश बड़ा है या खेल, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? जाहिर है आपका जवाब होगा देश, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो देश को धर्म से भी पहले रखते हैं। फिर खेल तो बहुत छोटी चीज है और इसे सिद्धांत को हमारे देश की सरकार भी मानती है। तभी तो हमारी सरकार पाकिस्तान की हवा टाइट करने की अब तैयारी कर रही है। हाँ, हम मानते हैं कि दो देशों के बीच मनमुटाव को कम करने के लिए और उन्हें करीब लाने के लिए खेल एक बड़ा और बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है, लेकिन दहशतगर्दी और खेल साथ साथ तो नहीं हो सकते ना। और बस ये छोटी सी बात पाकिस्तान को नहीं समझ आ रही और वो ना समझी में अपना ही नुकसान करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान में हालात पहले ही बहुत अच्छे हैं क्या, जो उसने एक और बड़ा ठीकरा अपने सिर पर ले लिया है? भाई आप ये जरा बताइए कि क्या जरूरत थी पाकिस्तान को साल 2025 में खेली जाने वाली क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी खुद के कंधों पर लेने की? मुल्क में आटे के मांदे पड़े हुए हैं और ख्वाब अपनी सरजमी पर एक बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाने का सजे हुए हैं। ऐसे काम सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। खैर, बड़े बड़े दावे और वादे करके उसने ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो अपनी बातों में पिरोकर अच्छा खासा फंड हासिल कर लिया है, लेकिन वो भूल चुका है कि उनके पड़ोसी हमसाय यानी हम इंडिया वाले उन फंड्स को दहशतगर्दी में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में उनकी सरकार से ज्यादा हुकूमत चलती है वहां पल रहे दहशतगर्दों यानी आतंकवादियों की। वहां जितना भी पैसा आता है वहां के नागरिकों के दिए हुए टैक्स से या फिर वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना से मिलने वाले IDS में एड्स में आतंकियों के लिए एक बड़ा हिस्सा पहले ही दे दिया जाता है और उन पैसों को वो भारत के कश्मीर और बाकी हिस्सों में आतंकी गतिविधियों में लगाते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि अब भारत में एक मजबूत सरकार है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह से जानती है। और तो और, अब ICC के नए चेयरमैन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साहबजादे जय शाह हो गए, तो अब तो किसी की भी सूरत में पाकिस्तान की दाल नहीं गलने वाली। दरअसल हाल ही में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के मुद्दे पर बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान से किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। लिहाजा इस बात से संकेत मिलते हैं कि टीम इंडिया टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। हालांकि इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि किसी भी कीमत पर रोहित की सेना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी, जिससे ऐसा लगता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल से हो सकता है। टीम इंडिया एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान नहीं गई थी, उसने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। इस बार भी भारतीय टीम श्रीलंका या UAE में अपने मैच खेल सकती है। खैर, आपको अमित शाह का पाकिस्तान को दिया गया सीधा और खरा अल्टीमेटम कैसा लगता है? इसका जवाब आप अपने कमेंट के जरिए हमें जरूर दीजिएगा।